उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के गणेश चौराहे के पास एक अनियंत्रित इनोवा ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसके बाद एक 13 साल की खुशी की मौत भी हो गई और दूसरी लड़की जो कि उसकी रिश्तेदार है वो बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि वाराणसी की रहने वाली खुशी अपने रिश्तेदार यानी बुआ के घर गोरखपुर आई थी और अपने रिश्ते में बहन लगने वाली लड़की के साथ कहीं जा रही थी कि तभी गणेश चौराहे पर एक अनियंत्रित इनोवा ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार एक लड़की घायल हो गई जबकि दूसरी वाराणसी से आई 13 साल की खुशी उसकी मौत हो गई। फिलहाल इनोवा चालक मौके से फरार हो गया है। घायल लड़की को जिला अस्पताल भेज दिया गया है और इनोवा चालक की तलाश पुलिस काफी तेजी से कर रही है। बैठी थी, उसकी मौत हो गई है। पूरी घटना क्या है, कैसे, किस वजह से? बच्चे आइसक्रीम खाने एक्चुअली जा रहे थे और इनोवा कार रॉन्ग साइड से आ रही थी, पीछे से बच्चे को रगड़ते हुए आगे निकल गई जिससे बच्ची सर के बल रोड पे ही गिर गई और इसी क्रम में स्थानीय लोगों ने उनको जो है पहुंचाया हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल आते आते तक छोटी बच्ची की तो मौत हो चुकी थी जिसकी उम्र 10 साल है और जो बड़ी बच्ची है उसके पैर हाथ में काफ़ी चोटें आई हैं लेकिन वो फिलहाल अभी स्वस्थ है। सगी बहने हैं? नहीं, दोनों सगी बहनें नहीं हैं। एक जो आगे बैठी थी वो सिमरन थी और जो यहीं की रहने वाली है और ये उनके मामा की लड़की थी जो कल इनके घर घूमने आई थी और अचानक से हादसा हो गया। बनारस से आए थे ये लोग। इनके पिताजी मृतका के पिताजी क्या करते हैं? मृतका के पिताजी का अपना व्यवसाय है और वो साथ में आए थे घूमने यहाँ और सडन में यहाँ गाड़ी पकड़ी गई इनोवा। अभी तक इसकी जानकारी नहीं हो पाई है कि इनोवा पकड़ी गई है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ to receive new updates, reviews and news.